हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। तो इसमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको मैट्रिक्स नोटेशन में करना है कन्वर्ट। तो आपका क्वेश्चन कुछ क्वाड्रेटिक में इस तरह से रहेगा, तो इसको मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो देखते हैं। तो मैट्रिक्स कैसा रहता है हमारा, ऐसा रहता है। सो लेट ए इक्वल्स टू, ये मैंने 2 by 2 का लिया है, सो 2 into 2 यहाँ पर लिखा हूँ। तो ये कैसे रहता है, रो कॉलम, ये जो ऐसे रहता है ये रो है, और ये जो ऐसे रहता है वर्टिकल, सो इट इज़ कॉलम। तो इसमें ये जो ए ए वाला जो भी टर्म है वो हमारा नंबर्स रहता है मैट्रिक्स का, कुछ भी कॉन्स्टेंट्स, मैं इसमें कॉन्स्टेंट लिया हूँ ए। तो फिर उसके बाद ये 1 1 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, एंड दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एंड दिस इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसलिए ये नंबर्स मैंने ऐसे दिया है। तो ये हो गया 2 into 2 का। तो अभी यहाँ पे लेट बी इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 into 3 का लिया हूँ। तो इसमें क्या रहेगा, ये ए का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो इसलिए 1 1 लिखा। तो अभी सेकंड का क्या होगा, फर्स्ट रो तो 1 लिखा मैंने, देन सेकंड कॉलम, सो अभी ए वाला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो 1 3। एंड यहाँ पे क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 into 2, सेकेंड रो थर्ड 2 3। अभी यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड, सो 3 2, थर्ड एंड थर्ड 3 3। सो ये नंबर्स आ गए आपको। तो इसके बाद अभी एक क्वेश्चन लिया हूँ एग्जांपल। तो इसमें क्या दिया हमें, x1 x2 x3, मतलब क्या है यहाँ पे 3 into 3 का है। तो ये मालूम पड़ गया कि x1 x2 x3 करके, सो यहाँ पे 3 into 3 का बनेगा मैट्रिक्स। तो इसमें क्या करना है हमें, x1 x2 x3 है, 3 है, तो इसको पहले हम लोग डायगोनल में सेट कर देंगे। तो x1 का क्या वेरी, मतलब आगे क्या है, सिंपली +1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। x2 का क्या है, +1, एंड x3 का क्या है, आगे -3। तो इसको डायगोनल में डाल दिया, फिर बाद में क्या है वो देखेंगे। तो x1 और x2 है, तो यहाँ पे देखो x1 और x2 यहाँ पे आ रहा है 1 और 2, तो इसको यहाँ पे पुट करना वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करना है, सबको डिवाइड बाय 2 करना है, पहले इसको वैसे ही डाल देना है जो भी जितने भी है x1 x2 x3, तो उसको डायगोनल में डाल दिया, फिर बाद में जो बचता है सबको डिवाइड बाय 2 करना है। तो क्या होगा, 2 2 कट गया, बचा 1, तो 1 को यहाँ पे पुट कर दिया। तो अभी यहाँ पे x1 और x2 का वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसका उल्टा भी वही रहता है, दैट इज़ 8 2 1। तो 8 2 1 की जगह पे 1 डाल देंगे, फिर बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 1 2 2 4, तो -2 आता है कहाँ पे, 1 और 3 में। सो a 1 3 में -2 डालेंगे तो वही यहाँ पे भी आ जाएगा -2, इसका अपोजिट 3 1, एंड देन यहाँ पे 3 बचा, सो 2 3 6, ये कहाँ पे आया, 2 3 में। सो यहाँ पे 8 2 3 कहाँ पे, यहाँ पे हम 3 डाल देंगे, और यहाँ पे भी इसका अपोजिट 3 2 में भी 3 आ जाएगा। सो ये हो गया हमारा 3 into 3 का। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ मैंने, यहाँ पे क्या है, x1 x2 x3 एंड x4। तो यहाँ पे मैंने 4 लिया है, तो हमारा डायगोनल जो बनेगा 4 का बनेगा। तो x1 का वैल्यू पहले इसमें आएगा कॉलम में 1, क्योंकि यहाँ पे +1 है आगे। उसके बाद सेकंड कॉलम में आएगा डायगोनल में -2, उसके बाद क्या है यहाँ पे -3 x3 का, एंड x4 का दैट इज़ +1। ये होते आपका बॉक्स कंप्लीट हो गया, दैट इज़ 4 into 4 का। तो उसके बाद वाला जो भी रहता है आपका, उसको सिंपली क्या करना है आपको, डिवाइड बाय 2। तो जो भी कॉन्स्टेंट है आगे उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो पहले यहाँ पे करते हैं, दैट इज़ x1 x2, तो इसका पोजीशन कहाँ पे मैट्रिक्स में, दैट इज़ a 1 2। यहाँ पे क्या आएगा, -1/2, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 किया, कैंसल आउट हुआ, +1 कहाँ पे, 1 3, सो 1 3 यहाँ पे आता है, एंड देन 1 4 1 4 यहाँ पे क्या आएगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, सो -3/2 वैसे ही लिखना है। फिर यहाँ पे वापस से 2 है, तो डिवाइड बाय 2 किया, तो 1 कहाँ पे, 2 3, सेकेंड थर्ड यहाँ पे -+1, ये 2 जो कैंसिल हो गया। देन वहाँ पे इसको जैसे पुट कर रहे हैं हम, तो वैसे ही इसको अपोजिट वाले भी पहले कर दो ताकि कंफ्यूज ना हो।
तो पहले यहाँ पे 1 2 किया, तो 2 1 में क्या आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे क्या है 1 3, सो 3 1 में 1, वहाँ पे क्या है 1 4, सो 4 1 में भी यही रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है 2 3, सो थर्ड 2, यहाँ पे भी 1, यहाँ तक आ गए। फिर इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 2 से, सो दैट इज़ 2 2 ज़ा 4 माइनस 2, कहाँ पे सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में माइनस 2 है, सो फोर्थ और सेकेंड में यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या बचा, इसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो 3, कहाँ पे थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 3, सो प्लस 3, सो इसका ऑपोजिट क्या है फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे भी 3 आया। सो ये हो गया 4×4 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे x1 x2 x3 x4 ऐसे था, और उसके ऊपर वाले में 3 था। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ, यहाँ पे xyz करके x1 उसमें नहीं है, x1 x2 x3 में। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, कैसा है 1 2 3, मतलब 3 आएगा डायगोनल में। तो पहला वाला 1 है, सेकेंड डायगोनल में आएगा माइनस 2, थर्ड दैट इज़ प्लस 3, सो ये हो गया आपका मैट्रिक्स कम्प्लीट। फिर इसके बाद क्या है, जो भी आपको डिवाइड बाय 2 करना है, सो इसको भी डिवाइड बाय 2, इसको भी डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे क्या है xy, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो बचा क्या आपका माइनस 2, तो ये 1 2 में पुट किया। फिर इसके बाद 2 1 में यही पुट कर देंगे। उसके बाद क्या है हाफ, कहाँ पे xz, तो यहाँ पे हम इसको चाहिए तो ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं xyz को, x1 x2 x3 जैसा। तो फिर बाद में आपको सिंपली पड़ेगा दैट इज़ x1 x2 यहाँ से यहाँ पे डाला, तो x1 x3 दैट इज़ 1 3 यहाँ पे आएगा। तो थर्ड फर्स्ट यहाँ पे डाल दिया, फिर जो बचा है आपका 2 से कैंसिल आउट हुआ माइनस 1, तो वो यहाँ पे आ गया माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1, दैट इज़ सेकेंड रो थर्ड एंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम। सो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म्स टू मैट्रिक्स नोटेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।